एल्विश यादव के बारे में बोलकर बुरी फंसी मनीषा रानी, फिर हो रही है जमकर ट्रोल। मिल क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मनीषा रानी पिछले काफी वक्त से खूब सुर्खियों में बनी हुई हैं। मनीषा रानी को बिग बॉस के OTT के सीजन 2 में देखा गया था। इस शो में मनीषा काफी अच्छा गेम खेल रही थी, मनीषा को खूब पसंद किया जा रहा था। मनीषा के एक अलग तरीके के नेचर, उनके चुलबुले अंदाज को खूब पसंद किया जा रहा था। इस शो से उनकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई थी। उसके बाद मनीषा खूब सारे प्रोजेक्ट में भी दिखी थी। बिग बॉस के घर में मनीषा की बॉन्डिंग अभिषेक मल्हन के साथ नजर आई थी और एल्विश के साथ भी उनकी अच्छी बॉन्डिंग देखी जा रही थी। एल्विश के साथ तो उनका एक हैशटैग एल्विशा भी बन गया था। फैंस एल्विश और मनीषा को एक साथ देखना काफी पसंद करते थे, पर पिछले काफी वक्त से एल्विशा फैंस इन दोनों से नाराज हैं, क्योंकि मनीषा ने एल्विश को अपने सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया और उसके बाद एल्विश ने भी मनीषा को अपने सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया, और जिसके बाद से ही एल्विशा फैंस इन दोनों से खासा नाराज हैं। एक तरीके से इन्होंने एल्विशा फैंस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब हाल ही में मनीषा को एक इंटरव्यू पे देखा गया जहां उनसे काफ़ी सारी बातें की, उनसे काफ़ी कुछ उनके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया और वहीं एल्विश से भी जुड़ा उनसे सवाल किया गया। मनीषा ने एक बार फिर एल्विश के बारे में बात करते हुए इंटरव्यू में कहा कि एल्विश ने कभी भी एल्विशा फैंस को वो भाव ही नहीं दिया, उनके लिए एल्विशा फैंस कोई मायने ही नहीं रखती थी, उन्होंने अपना कभी एल्विशा फैंस को माना ही नहीं, मेरे लिए ये आई लव यू वाली कोई बात ही नहीं थी। मैं एल्विशा फैंस को बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि वो मेरे फैंस हैं, मैं उसे कभी एल्विश के साथ जोड़कर नहीं देखती, मैं उसे अपने फैंस के साथ जोड़कर देखती हूँ, और एल्विश ने कभी उन लोगों को अपना नहीं माना, उन फैंस को कभी अपना नहीं माना। और जो लोग ये कहते हैं कि आई लव यू जैसी बात तो हमारे बीच में कभी थी ही नहीं। अब इसी बात को लेकर मनीषा रानी ट्रोल हो रही हैं, क्योंकि जो एल्विश के फैंस हैं वो अब मनीषा को ट्रोल करने लग गए हैं और उनकी वो वीडियोस को निकाल रहे हैं जो बिग बॉस के घर की थी। बिग बॉस के घर में मनीषा रानी ने एल्विश को कई बार आई लव यू बोला था और एल्विश को भी ये जोर दिया था कि वो भी बोले, पर एल्विश ने हमेशा इन सब चीज़ों से दूर ही रहे और वो मनीषा से दूर भागते दिखे। बिग बॉस के घर में भी मनीषा रानी ने कई बार अपनी इन सब चीज़ों की वजह से, भले ही वो इंटरटेन कर रही हो, उन्होंने कई बार ये बातें भी की अभिषेक से कि वो सिर्फ मस्ती मजाक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी उन्होंने कुछ ज़्यादा ही उस वक्त कर दिया था और जिसकी वजह से जो एल्विश थे वो मनीषा से भागते नजर आते थे, दूर भागते दिखते थे, और इसी वजह से अभी भी एल्विश यादव ने मनीषा के साथ अपना वैसा बॉन्ड नहीं रखा जैसा उनका जिया और बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ था। और मनीषा रानी ने कहीं ना कहीं एल्विश यादव को शो के दौरान काफ़ी कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिसे लेकर एल्विश काफ़ी मनीषा से नाराज़ भी हो गए थे, और अब एल्विश के जो फैंस हैं वो मनीषा के उन सब वीडियो को निकालकर मनीषा को ट्रोल कर रहे हैं। उस वक्त भी ये काफ़ी इरिटेटिंग लग रहा था जब मनीषा बार बार एल्विश को आई लव यू कह रही थी, और जब उन्होंने ये बातें भी क्लियर की कि वो सिर्फ फ़न के लिए कर रही थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनके फैंस को पसंद नहीं आया था और उन्हें इस तरीके की एंटरटेनमेंट अच्छी भी नहीं लग रही थी। क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर? क्या आपको भी लगता है कि मनीषा ने उस वक्त एल्विश के साथ काफ़ी ज़्यादा ही उन्हें अनकंफर्टेबल कर दिया था और आज उसी सब की वजह से वो ट्रोल हो रही हैं? हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं।